तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 11वीं हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपको वो प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो आपके पेपर में आ सकते हैं। आपका एग्ज़ाम है, देखो 2020 हो या फिर एक साल के बाद भी अगर आप देखते हो, ठीक है, तो आपकी बहुत मदद होगी। और ये वो एग्ज़ाम अगर आप HBSC के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही ज़्यादा मदद हो जाएगी, और CBSE से बिलोंग करते हैं तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCR क्लास। यहाँ पे जो है आपके पास में प्रश्न आ रहा है। देखो, अगर आप बोलोगे कि ये मतलब कौन से कहाँ से मिलेंगे हमें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप चाहो तो जाकर पढ़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर समझना चाहते हो तो यहाँ पे मैं लाइव समझाता भी रहूँगा साथ के साथ, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल ही जाएगा आपको। वहाँ पे कोशिश करूँगा मैं कि आपको PDF के फॉर्मेट में भी दे सकूँ, नहीं तो आपको लिखे हुए तो ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत मेहनत लगी यार इनको लिखने में, और आप यार थोड़ा सा सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो हमको, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। हाँ, अब बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास में आ रहा है, संचार कितने प्रकार का होता है। अब संचार जो है, संचार का पता ही होगा आपको, मतलब बातचीत जो है, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से करते हैं हम, वही है ये। तो संचार के जो प्रकार है वो कई तरीके का होता है। इसमें जो है मुख्य रूप से हम मौखिक और अमौखिक दो भागों में बांट सकते हैं इसको। मौखिक यानी कि मुख से बोल के कुछ, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुख से बोल के, और अमौखिक जिसमें हम बोलते नहीं हैं, जिसमें हम संकेत करते हैं, ठीक है, कोई भी संकेत कर सकते हैं। हमारे जीवन में अनेक भावनाएं केवल अमौखिक संचार के माध्यम से ही व्यक्त होती है, जैसे खुशी, प्रेम, दुख आदि, ठीक है। तो ये है, और इसके अलावा भी हमने कई हिस्सों में बांट रखा है, व्यक्तिगत संचार, अंतर्व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जन संचार, ये आदि सब भी जाने जाते हैं। और हाँ, आपको बता दूं, अगर आप जो है चाहते हो कि हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ें, या फिर किसी एक चैप्टर में, पार्टिकुलर चैप्टर में आपका डाउट बचा हुआ है, सो वीडियो आपको मिल जाएगी, मतलब प्लेलिस्ट का सेक्शन है नीचे डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिलेगा उसका भी, तो वहाँ पर जाकर आप उसको पूरी, मतलब जिस चैप्टर में डाउट है उसको ज़रूर से देख लेना। वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से मैंने उसको समझा रखा है, और यहाँ पर अभी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही कराऊँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कराऊँगा, ठीक है। तो अगर चैप्टर समझना है बिल्कुल अच्छे से तो वहाँ पे जाके आप समझ सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, जनसंचार क्या है, जनसंचार के कार्यों का संक्षेप में वर्णन करो। देखो, 2019 जो पिछला साल है HBSC का, आपको पता है पिछले 3 सालों के पेपर में से ही क्वेश्चंस आते हैं, और CBSE में भी कई बार ऐसा हुआ है कि पिछले सालों से ही क्वेश्चंस आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ही आया है 2019 के अंदर, कि जनसंचार के कार्यों के बारे में बताइए, बस इतना सा पूछ रखा था। ये क्वेश्चन के जो है पॉइंट्स मैंने डबल क्वेश्चन कई जगहों पर लिख रखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने जो है मतलब दो क्वेश्चन ऐसे मिला के लिख दिया है जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, फ्लो बना रहे उस क्वेश्चन का, उसको टुकड़ों में भी वो लोग दे सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा फायदा ही आपको। और ये 6 नंबर में आया था पिछले साल, सो जरूर से याद करके जाना इस क्वेश्चन को। अब जानते हैं जनसंचार क्या है और इसके कार्यों के बारे में। संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार जनसंचार होता है जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की अपेक्षा किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं, उसे जनसंचार कहते हैं। मतलब सीधी बात यह है कि जनसंचार यानी कि जनता जो पब्लिक है, बहुत सारे लोग हैं, उसको जनसंचार बोल जाता है अगर हम उससे बातचीत कर रहे हैं। जैसे अभी मैं ये वीडियो डालूंगा, आप में से शायद 200, 300, 1000 कुछ लोग देखने आएंगे, तो मैं अकेले से नहीं बात कर रहा ना, तो ऐसे में हजारों लोग आएंगे, तो वो हजारों लोग यहाँ पे तो मैं यहाँ पे किसका काम कर रहा हूँ, जनसंचार, मतलब समझ ही गए होगे आप लोग। तो यहाँ पे जो है इसके तरीके होते हैं, कई सारे माध्यम हैं इस जनसंचार के, जैसे कि समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि, और आप इंटरनेट की मदद से यहाँ पे पहुँचे हो। जनसंचार के कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, और ये पॉइंट्स देखो आपको बता दूं कि अगर मतलब क्वेश्चन जब आप लिखते हो ना, अगर उसमें पॉइंट्स बना सकते हो तो डियर पॉइंट्स जरूर बनाना, क्योंकि बहुत काम के होते हैं पॉइंट्स और आसानी से नंबर आपको दिला देते हैं। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो 6 पॉइंट जरूर से बना लेना, आराम से आपको 6 नंबर पक्के मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट दे रखे हैं बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे पॉइंट पढ़ते हैं। देख, तो जनसंचार के माध्यम हमें विश्व की अनेक घटनाओं की सूचना देने का काम करते हैं, ये हमें जो है जागरूक और शिक्षित करने का काम करते हैं, जैसे अभी आप ऑनलाइन शिक्षित हो रहे हो ना पढ़ के, तो वैसे ही जनसंचार के माध्यम हमारा मनोरंजन करने का कार्य भी करते हैं, जैसे आप वीडियो वगैरह देखते हो, कुछ भी देखते हो ना, टेलीविज़न देखते हो, फिल्में देखते हो, जनसंचार के माध्यम किसी किसी देश या और समाज का एजेंडा भी तय करते हैं। मतलब कोई देश अच्छा रहेगा बुरा रहेगा वो भी तो हमें पता लग जाता है ना नेट पे ही, तो वही सीन है। यह किसी घटना या मुद्दे का को चर्चा का विषय बनाकर सरकार समाज को उस पर अनुकूल प्रतिक्रिया करने
पर बाध्य भी करते हैं। जनसंचार माध्यमों का एक अन्य प्रमुख कार्य है समाचार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखना भी होता है। जैसे न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना कि हाँ आज यहाँ पे ये आया, आज वहाँ पे ये आया, जैसे अभी अभी ट्रंप आया है भारत के अंदर ताजमहल देखने, तो वैसा सीन हो जाता है। तो वो जो है निगरानी रखते हैं वहाँ पर, और भी बहुत सारे काम होते हैं इनके। जनसंचार माध्यम विभिन्न लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच भी प्रदान करते हैं, जिससे लोकतंत्र व्यवस्था मजबूत होती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आ रहा है फीडबैक से क्या तात्पर्य। ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया पिछले सालों में, मतलब 2017-18 के आसपास ये आया था। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा ये, फिर भी मैंने डाल दिया अगर आता है तो। तो फीडबैक से क्या तात्पर्य, फीडबैक होती है मतलब जैसे आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, वहाँ पे पूछते हैं ना कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी, तो उसको फीडबैक बोलते हैं। ठीक है ना, जो आप हमें दोगे, जैसे आप अब ये वीडियो देख के जाओगे तो आप ज़रूर से बताना यार कैसी लगी वीडियो, तो वो कमेंट में आप बताओगे तो मुझे पता लगेगा कि मतलब मेरे में क्या कमी है, मतलब कैसे पढ़ाना चाहिए था, क्या मैंने गलती की, जो आने वाले टाइम में हम सुधार सके, अच्छी कर सके, इसीलिए जो है ये फीडबैक ली भी जाती है। ठीक है, तो जब संचार माध्यम का अंतिम तत्व होता है ये, और संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति जब उसे समझ कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो उसे फीडबैक कहते हैं। जैसे आप बोलोगे भाई मुझे तो ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ बोलेंगे मुझे घटिया लगी, तो घटिया लगी तो यार कोई कारण होगा, मतलब तूने जल्दी जल्दी बोला, धीमा बोला, आवाज़ ख़राब थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बहुत सारे रीजंस होते हैं ना, लोगों को पसंद नहीं आती, तो वही चीज़, वो चीज़ आपको मतलब पता लग जाता है फिर कि हाँ नेक्स्ट टाइम से अगले समय बार जब हम ये काम करेंगे तो हमें ये गलती नहीं करनी है, तो इसीलिए जो है फीडबैक ली जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे में तो। ठीक है, पत्रकारिता के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो पत्रकारिता का महत्व, पत्रकार आपको पता ही होगा, पत्रकारिता यानी कि लिखना, कुछ ब्लॉग वगैरह कुछ भी लिखना। ठीक है, जैसे मैंने लिख रखा है तो ये भी एक टाइप की पत्रकारिता है, बट ये आपकी मदद करेगी। तो यहाँ पे पत्रकारिता वर्तमान युग की महत्वपूर्ण संस्था है, जो हमें देश विदेश की घटनाओं से रूबरू कराती है। वर्तमान युग में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, जो हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, पत्रकारिता देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देती है। एक मान लो पत्रकारिता का मतलब है कि न्यूज़ चैनल खोल लो, वहाँ से आपको क्या क्या मिल रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके द्वारा विश्व के कोने कोने की जानकारी पल भर में उपलब्ध हो जाती है। पत्रकारिता जन सामान्य को उनके कर्तव्य, कर्म निष्ठा एवं अधिकारों का बोध कराती है। वर्तमान युग में पत्रकारिता जनता की आंखों की रोशनी और कानों का श्रवण शक्ति बन गई है। यहाँ पे कहने का भाव ये है इस लाइन में कि मतलब जनता को अगर मान लो दिल्ली में कोई हड़ताल हो गई, ठीक है, अब मैं बाहर बैठा हुआ हूँ तो मुझे क्या पता क्या हड़ताल हो रही है, लेकिन पत्रकारिता की मदद से मैं ये चीज़ जान सकता हूँ, तो इसीलिए वो आंखों की रोशनी वो सारी चीज़ें बन गई। और अभी सुनने वाला सिस्टम भी है ना इंटरनेट पे, तो सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो, जो मन कर रहा है वो करो, तो टेलीविज़न में भी होता है सुनने का वो सीन है यहाँ पे। ठीक है, अगला पॉइंट आ रहा है, यह एक और ज्ञान विज्ञान की विभिन्न जानकारियों का आधार बनती है, तो दूसरी ओर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इससे पैसे भी कमा रहे हैं, आपको भी पता है ये चीज़ है ना। अगले पॉइंट आता है, पत्रकारिता समाज सुधार, राष्ट्रीय चेतना और मानव कल्याण को प्रेरणा देती है। अगला पॉइंट आ रहा है, यह युगीन समस्याओं से जनसाधारण को जोड़ती है। तो प्रश्न 5 आ गया हमारे पास में, डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन डायरी लिखने वाला, तो इसको ज़रूर से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। देखो मैंने सारे ऐसे नहीं है कि भर रखी है प्लेलिस्ट, देखो थोड़े से क्वेश्चन है बस, और ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो ना तो 3-4 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 आते हैं हद से हद, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिखे, 8 क्वेश्चन ये है और आपके 10 वो है, तो मतलब 18 क्वेश्चन है, आप पढ़ के ज़रूर जाना 18 के 18 को। तो चलो डायरी वाले पे चलते हैं, डायरी लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो एक तो कि डायरी जो है किसी नोटबुक या पिछले साल की डायरी में लिखनी चाहिए हमें, क्योंकि इसका कारण ये होता है कि यदि हम इसी साल की डायरी में लिखेंगे तो उसमें हमें लगेगा कि मतलब एक पन्ना दे रखा है एक दिन की एक तारीख के लिए, तो कभी कभी ज़्यादा लिखने का मन कर जाता है तो हम उसे मतलब बंधा हुआ से महसूस ना करें कि हाँ हमें इसी पन्ने पर लिखना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, नहीं तो सिस्टम ख़राब हो जाए, ऐसा मत करना। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, तो डायरी लिखते समय स्वयं क्या करें कि आप क्या सोचते हैं और शाम को स्वयं मानना था यहाँ पे, ठीक है कोई गड़बड़ी हो गई मैं सुधार दूंगा इसको, और स्वयं को क्या कहना चाहते हैं दिन भर की घटनाओं में से, क्या घटनाएं आपको जो है चुननी है वो आप उनको अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो अगला आ रहा है, डायरी लिखते समय डायरी अत्यंत निजी वस्तु होती है और इसे ये मानकर लिखना चाहिए कि आपकी जो डायरी आप लिख रहे हो इसको कोई भी जिंदगी में पढ़ने वाला नहीं है, आप अकेले ऐसे हो जो इसको पढ़ेगा। ठीक है, डायरी की भाषा शुद्धता और शैली की विशेषता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जैसा आपका मन कर रहा है टूटी फूटी उर्दू पुर्दू जो भी लिखना आपको लिख लो यार। ठीक है,
तो ये बात है, डायरी समकालीन इतिहास होता है, अतः डायरी लिखते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डायरी में डायरी लेखक के भावों और तत्कालीन समाज को स्पष्ट देखा जा सकता है। मतलब उस टाइम पे लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो चीज़ भी सोची जा सकती है, पता लग जाता है। जैसे हम अभी ग्रंथ वगैरह पढ़ते हैं ना पुराने, मतलब ऋषि मुनियों ने बनाया वो वैसे तो, लेकिन हमें उस टाइम का पता लग जाता है कि उस टाइम पे क्या था क्या नहीं था। तो वही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश हो रही है। अगला क्वेश्चन आता है, पटकथा से क्या तात्पर्य और इसकी संरचना कैसे होती है। दो क्वेश्चन है मैंने इकट्ठे मिला दिए, ठीक है। पटकथा पूरा चैप्टर लगभग इसी एक क्वेश्चन में खत्म हो जाता है आपका, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। तो पटकथा से क्या समझते हो? पटकथा जो है एक ऐसी कहानी, मतलब जो पर्दे पर हमें दिखानी हो, छोटा पर्दा हो या बड़ा पर्दा हो वो मतलब नहीं करता, लेकिन पर्दे पर जो चीज़ दिखाई जाए। कहने का भाव है कि जो कहानी टेलीविजन या फिर सिनेमा में दिखाई जाए, फिल्में बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, उन्हें पटकथा कहते हैं। फिल्म तथा दूरदर्शन की पटकथा में पात्र चरित्र, नायक प्रतिनायक, घटनास्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, समाधान आदि सब कुछ होता है। इसमें छोटे छोटे दृश्य और असीमित घटनास्थल होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग होते हैं ना, कुछ नाटक में तो एक ही घर में बैठे रहेंगे, जैसे वो सास बहू चलती है बहुत सारी, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही घर में बैठे रहेंगे, मतलब उनके डेली के डायलॉग चलते रहेंगे नए नए। कुछ में क्या होता है, बाहर फिल्म में जैसे चलती है तो कभी किधर गए वो, कभी किधर गए, तो वो मैटर नहीं करता, मतलब अलग अलग सीन पे अलग अलग। तो वो सारी चीज़ें पटकथा के अंदर ही आती है, मतलब पर्दे पे दिखाना है तो अलग अलग तरीके अपनाते हैं हम। इसमें जो है हम कुछ, मतलब फिल्में देखी होंगी आपने जिसमें फ्लैशबैक करते हैं, फ्लैशबैक क्यों लिख दिया इन्होंने, तो फ्लैशबैक आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो फ्लैशबैक करते हैं कहीं पे, फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। जैसे हम आते हैं ना, सोचते हैं, मान लो बंदा बैठ के सोच रहा है फिल्म में, भविष्य में चला गया हो, कोई सोचता है मैं इतिहास में चला गया हूँ, अपने अतीत में, तो उसमें बताया जाता है कि जब ये करते हैं पटकथा लिखते हैं, तो उसमें हमें ऐसा नहीं मानना कि हम जो है, मतलब वाक्यों में ऐसा होता है ना कि था थे थी ऐसे लगाते हैं, इतिहास में गए हैं होगा है, तो वो नहीं करना। वहाँ पे भी आपको जो है वर्तमान काल में ही रहना होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है। अगला पॉइंट अगला क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन, पटकथा लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसी भी दृश्य का बंटवारा करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि किन आधारों पर दृश्य का बंटवारा कर रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक दृश्य के साथ साथ उस दृश्य के घटनास्थलों का भी उल्लेख होना चाहिए, जैसे कहाँ पे कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं, घर के नीचे अंदर बाहर जो भी कर रहे हैं, मैं ना वो सी। प्रत्येक दृश्य के साथ होने वाली घटना के समय का संकेत भी दिया जाना चाहिए, मतलब जो घटना होने वाली किस समय हुई, सुबह दोपहर शाम कौन सा समय था भाई वो बता दो मुझे, ताकि वो जो मतलब कर रहे हैं ना, जो भी मतलब पटकथा लिख रहे हैं कहानी बना रहे हैं, तो उससे अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ ये टाइम ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। प्रत्येक दृश्य के साथ यह सूचना देनी भी आवश्यक होती है कि वह घटना खुले में है तो अब बंद स्थान पर हो रही है। पत्रों की गति विधियों के संकेत भी प्रत्येक दृश्य के प्रारंभ में देनी चाहिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आठवां क्वेश्चन है, और पिछले साल 2000 सन 2019 के एग्ज़ाम में आया था ये आपके पेपर में हिंदी के, ठीक है, 11वीं के हिंदी में आया था ये, तो इसको भी ज़रूर से पढ़ लेना एक बार, क्योंकि आने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं, बट आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे करना है आपको, कैसे लिखना है, कुछ और भी दे सकते हैं वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन था, विद्यालय में हुए पुरस्कार वितरण समारोह का कार्यवृत्त आना था यहाँ पे। ये थोड़ी ऑडियो मैंने मतलब बोल के लिख रखा है इसको, तो क्योंकि इतना हिंदी में भाई टाइप नहीं होता मेरे से, तो बोल के लिख रखा है, कुछ एक घपले हो रखे इधर, तो कोई नहीं यार माफ़ कर देना इस चीज़ के लिए मुझे। तो कार्यवृत्त आएगा यहाँ पे, मैं तैयार ठीक कर दूंगा इसको, सारी चीज़ों को दोबारा से, एक आध वर्ड जो है गड़बड़ हो रखी है, तो कार्यवृत्त तैयार कीजिए। यहाँ पे उत्तर आ रहा है, तो कल दिनांक, जो भी दिनांक आपका मन कर रहा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक भर देना आपको, ठीक है, जब लिखोगे तो कल दिनांक जो भी थी अपनी, ठीक है, को हमारे बाल विकास विद्यालय, जो भी आपका विद्यालय है वो लिख लेना, में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा इस समारोह के मुख्य, देखो अभी आपको नहीं पता ना नाम का अतिथि, जो शिक्षा मंत्री नहीं पता, तो ऐसा लिख सकते हो आप, माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। समारोह सुबह 9 बजे शुरू हुआ। मुख्य अतिथि महोदय ने इस समारोह का शुभारंभ किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मुख्य अतिथि का औपचारिक स्वागत किया। सर्वप्रथम 10वीं कक्षा के बच्चों द्वारा संगीत स्वागत गीत गाया गया। इसके पश्चात 12वीं कक्षा की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे समारोह में उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। उसके बाद में मुख्य अतिथि द्वारा विद्यालय के मेधावी छात्र को पुरस्कार दिया गया। विद्यालय का सबसे सर्वश्रेष्ठ मेधावी छात्र का पुरस्कार प्रिंस को दिया गया। जो भी नाम लिखना है लिख सकते हो।
मुझे पता है आप अपना ही नाम लिखोगे, लिख दिया गया। अंत में जो है विद्यालय के प्रधानाचार्य ने समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि मेहमान तथा दर्शकों का धन्यवाद किया। तो ये वो क्वेश्चन है जो बड़े मतलब 3 नंबर या 6 नंबर में आ सकते हैं। 6 नंबर का देखो जनसंचार वाला कार्यों वाला कर लेना एक, तो 6 नंबर में इनके चांस। वैसे ऊपर जो लिख रखे हैं ना मैंने 3 नंबर और 6 नंबर वाले पढ़ने तो आपको सारे हैं भाई, बिल्कुल अगर पास होना है तो पढ़ने पड़ेंगे आपको। अभी देखते हैं 1-1 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं। तो भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? देवर्षि नारद को, ठीक है। खोजपरक पत्रकारिता क्या है? ये 2019 के पेपर में आया हुआ आपका खोजपरक पत्रकारिता क्या है। तो ये इसमें देखो खोजपरक पत्रकारिता से तात्पर्य एक ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छान खोजबीन करके उन तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रकार की पत्रकारिता में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है विशेषीकृत पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता के विषय के अनुसार विशेषता के साथ क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पे साथ आना था, साथ नहीं, ये हो रहा है थोड़ा बहुत ऑडियो टाइप में हो जाता है। इनमें संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञान और विकास, अपराध और फैशन और फिल्में, पत्रकारिता आदि आती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कोई साइट पे जाते हो, यूसी न्यूज़ का तो पता ही होगा आपको क्योंकि 11th में हो गए भाई, फ़ोन भी होगा आपके पास में, पता होगा थोड़ा बहुत। तो जो यूसी न्यूज़ है वहाँ पे देखोगे आप बहुत सारे मतलब बक्से बने रहते हैं कि हाँ इसमें यहाँ पे आपको ऐसी खबरें मिलेंगी, यहाँ पे ऐसी खबरें, वो सीन है, ठीक है ना। इन क्षेत्रों के समाचार इन विषयों में विशेषता प्रकट किए बिना देना कठिन होता है, तो इन्हें ही विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। मतलब आपको न्यायालय का कोई आइडिया नहीं, आपको विज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप विज्ञान का आर्टिकल कैसे लिखते हो, विज्ञान के बारे में कैसे कुछ बता सकते हो आप, है ना। वो चीज़ यहाँ पे बताने मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा उसका। अगला प्रश्न आ रहा है वॉचडॉग पत्रकारिता क्या है? लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व सरकार के कामकाज पर नज़र रखना और किसी भी गड़बड़ी को जनता के सामने लाना होता है, और इसी को हम वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। मतलब वॉचडॉग, वॉच का मतलब देखना, डॉग का मतलब कुत्ता, कुत्ते की तरह देखना पत्रकारिता में, ठीक है। मतलब उसको फॉलो करना वो चीज़। लाइव से क्या समझते हो आप? लाइव तो किसी भी घटनास्थल से सीधा प्रसारण उसको लाइव बोलते हैं। क्रिकेट है, मतलब क्रिकेट का तो ज़्यादातर समय लाइव ही चलता है, जब खेल रहे होते हैं तो वहाँ से सीधा प्रसारण होता है तो उसे लाइव बोला जाता है, ठीक है। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? ये भी आया हुआ है शायद 2018 के पेपर में आया था। भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ याद कर लेना, 1993 में हुआ था, ठीक है। पत्रकारिता लेखन की सबसे जानी मानी शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पढ़ लेना इसको अच्छे से, उल्टा पिरामिड शैली कौन सी है, कैसे काम करती है, ठीक है, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। वैसे पता होना चाहिए उल्टा पिरामिड शैली में जो है पत्रकारिता की जाती है। फीचर किसे कहते हैं? किसी सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन को फीचर कहते हैं। इसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है फीचर, देखो कुछ रिपोर्ट ऐसे होते हैं जब मान लो कल कोई घटना हुई तो उसकी खबर देते हैं, और कुछ जो है मतलब 1-1.5 महीने बाद भी उसकी खबर दी जाती है ना, तो उसको फीचर कहते हैं, जो बाद में भी दी जा सकती है। ये मतलब 1-2 महीना गुजर गए फिर भी हम इसको दे सकते हैं खबर को, उसको फीचर कहते हैं। भारत में पहला छापाखाना कहाँ और कब खुला था? ये भी पेपर में आया हुआ है। तो ये गोवा में 1556 ईस्वी में खुला था, ठीक है। एनी फ्रैंक की डायरी छपी, डायरी किन वर्षों के बीच में लिखी गई थी? मैंने अपनी तरफ से डाला है, मुझे लगा कि शायद आ सकता है तो इसको बस याद कर लेना, 1942 से 1944 के बीच में, ठीक है। तो ये थे, और हाँ आप लोग बोलोगे कि भाई सवृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र शब्दकोश, तो ये 2 पाठ आपके, तो इनका क्यों नहीं बताया? मतलब इनमें बाकी पूरा मतलब देखोगे आप, इनमें ये 2 पाठ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये जो 2 है ना सवृत्त लेखन, तो इसमें सवृत्त लेखन पूछा जा सकता है, तो आपको खुद ही लिखना आना चाहिए वो सवृत्त, तो मतलब पत्र होता है ये, ठीक है ना। एक तरीके से सवृत्त मतलब अपने बारे में लिखना पत्र में, जैसे आप पत्र लिखते हो किसी को, पत्र लिखना आ सकता है, आवेदन पत्र ही तो लिखना है, तो वही आवेदन पत्र आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। शब्दकोश में कुछ एक शब्द दे देंगे वो आपको, ठीक है, जो भी दें उनकी मर्जी है वो, तो उनको बस आपको क्रमबद्ध करना पड़ेगा कि पहले कौन सा आएगा, बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो वो वहाँ पे आपको आराम से पता लग ही जाएगा आपको अगर आते हैं, आता है ये शब्दकोश। अगर नहीं आइडिया है कुछ भी तो आप जो है वहाँ पे जाके देख सकते हो, वीडियो मैंने बना रखी है, इसमें भी मैं नीचे वीडियो ऐड कर दूंगा, एम्बेड कर दूंगा जैसे ही वीडियो पब्लिश होगी। तो अभी ये है, यही वीडियो एम्बेड होने वाली है, ठीक है।
तो अगर आप इसको देखना चाहते हो, वीडियो तो हो गई भाई ख़त्म, और अगर आप इसको पूरा को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। और हाँ, मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी दे रखी है, 11th 12th जो भी चैप्टर अपने छांट लेना, मैंने पूरी अभिव्यक्ति और माध्यम उसमें कवर करा रखी है, 11th की भी 12th की भी, तो आप वहाँ पर जाकर उसको आराम से देख सकते हो। तो बस यही था वीडियो में, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो। अगर मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसा चैनल आपको दोबारा कभी देखने को नहीं मिलने वाला।